नॉन स्टूडेंट्स। लेसन 7 द टीम्ड हेयर। टीम्ड होता है डरपोक खरगोश। ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड दिए हुए हैं। फॉरेस्ट स्लाइटेस्ट डिसाइडेड साउंड। फॉरेस्ट होता है जंगल। स्लाइटेस्ट होता है हल्की सी। डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया। साउंड मीन्स आवाज़। बेटा इसमें एक डरपोक खरगोश की कहानी बताई गई है जो छोटी छोटी आवाज़ सुनकर भी डर जाता है और सभी जो जंगल के दूसरे पशु और पक्षी हैं सभी इसका इस तरह से मजाक उड़ाते हैं। इसमें डरपोक खरगोश की कहानी बताई गई है। वंस इन ए फॉरेस्ट। वंस होता है एक बार। इन ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होता है जंगल। कि एक बार एक जंगल में ए हेयर वाज वेरी अपसेट। हेयर होता है खरगोश। कि वह अपसेट था यानी कि मानसिक हलचल थी, उसके दिमाग के अंदर कुछ चल रहा था, अपसेट था, उदास था। ऑल द अदर एनिमल्स यूज टू मेक फन ऑफ इट एज इट वाज सो ईजली फ्राइटेंडेड। ऑल द अदर एनिमल्स, और जो दूसरे एनिमल्स थे, पशु थे, यूज टू मेक फन ऑफ इट्स, और वो जो उसके अपसेट होने की वजह से अपसेट था, और वो किस वजह से था, इसका सभी उसका मजाक उड़ाते थे। फन मीन्स मजाक। इट वाज सो ईजली फ्राइटेंडेड, कि वह कितनी आसानी से डर जाता है, सभी इस बात का मजाक उड़ाते थे। द स्लाइटेस्ट ऑफ नॉइज मेड इट जंप ऑफ फुट। और छोटी सी हल्की सी जो आवाज़ सुनकर ही क्या करता था, वो कूद पड़ता था, कूद जाता था, यानी कि थोड़ी सी अगर उसको हलचल सुनाई देती थी तो उसके अंदर एक तरह की मानसिक हलचल होती थी कि वह डर जाता था और कूद जाता था। इवन द स्मॉलर एनिमल्स एंड बर्ड्स टीज्ड इट। यहाँ तक कि छोटे से छोटे पशु और पक्षी भी उसका इस तरह से उसको छेड़ते थे यानी कि उसका मजाक उड़ाते थे। फाइनली द हेयर डिसाइडेड टू बी मोर ब्रेव इन फ्यूचर। फाइनली अंत में द हेयर डिसाइडेड होता है निर्णय लिया, यानी कि उसने निश्चय किया। द हेयर डिसाइडेड, खरगोश ने निर्णय लिया टू बी मोर ब्रेव, कि वह और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ताकतवर यानी कि बहादुर बनेगा इन फ्यूचर, भविष्य में। इट प्रोमिस्ड टू इट सेल्फ दैट इट वुड नॉट जम्प इन फ्राइट। और उसने क्या वादा किया अपने आप से, इट सेल्फ होता है अपने आप से प्रोमिस्ड, वादा किया दैट इट वुड नॉट जम्प, कूदना इन फ्राइट, कि वह डर में नहीं कूदेगा। जैसे वो डर, जैसे ही कोई आवाज़ सुनता था वो डर जाता था और एकदम कूद पड़ता था। तो उसने निर्णय किया कि वह फ्यूचर में कभी भी नहीं डरेगा और नहीं डर महसूस करेगा। जस्ट देन, तभी देयर वाज ए नॉइस फ्रॉम ए बुश नियर बाय। जैसे ही वो अपने अंदर ये वादा कर रहा था कि वो भविष्य में कभी नहीं डरेगा, तभी उसको एक झाड़ी के अंदर से, नज़दीक में जो झाड़ी है उसके अंदर से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। एट वंस, तभी द पुअर हेयर रन फॉर इट्स डियर लाइफ। तभी क्या होता, वो झाड़ी के अंदर से आवाज़ सुनकर जो गरीब बेचारा खरगोश था एकदम वहाँ से अपनी लाइफ को बचाने के लिए यानी कि डरा हुआ सहमा हुआ वहाँ से दौड़ पड़ता है। एज इट वाज रनिंग, जैसे ही वह दौड़ रहा था, इट केम नियर ए पोंड, और वो दौड़ता दौड़ता कहाँ पर आ गया, नियर ए पोंड यानी कि तालाब के पास आ गया। ए फैमिली ऑफ फ्रॉग्स वाज सनिंग देयर, और जैसे ही वो जिस तालाब के पास वो दौड़ता हुआ आया था, ए फैमिली ऑफ फ्रॉग्स, वहाँ पर एक मेंढकों का एक परिवार था, वाज सनिंग देयर, जो धूप का आनंद उठा रहे थे यानी कि वो धूप सेक रहे थे, पोंड से बाहर आकर वो धूप में बैठे हुए थे मेंढकों का परिवार। हियरिंग द साउंड ऑफ द हेयर, हियरिंग, जैसे ही मेंढकों ने खरगोश के आने की आवाज़ वहाँ पर झाड़ी में से सुनाई दी, दे ऑल डाइव्ड इनटू द पोंड, और वो क्या हुए, डर के मारे तालाब के अंदर कूद गए। विद साउंड क्रैकर्स, यानी कि जैसे ही वो मेंढक की टर टर आवाज़ करते हुए झाड़ी में से आवाज़ सुनाई दी, वो
पोंड के अंदर, तालाब के अंदर कूद गए। सीइंग दिस, और इस प्रकार देखकर द हेयर बिकेम वेरी प्लीज, और उनको इस तरह से डरा हुआ देखकर मेंढकों को खरगोश बहुत ही खुश हुआ। उसको पहले वो डर खुद रहा था, लेकिन अब उसको इस तरह से देखने के बाद जैसे ही मेंढक डर के मारे तालाब में कूद पड़े और उनको इस तरह से डरा हुआ देखकर खरगोश को बहुत ही खुशी मिली। इट थॉट, उसने सोचा, एट लास्ट इट हैड बीन समवन हु वाज मोर सेकर्ड देन मी, यानी कि मेरे से भी ज़्यादा इस दुनिया में, यानी कि कोई है जो मेरे से भी ज़्यादा डरता है, यानी कि जो मुझसे डरता है। फीलिंग रीअश्योर्ड, उसने इस तरह से आश्वासन दिया अपने आप को। इट वेंट ऑन दिस वे, और वह अपने रास्ते पर चला गया। नाउ इट वाज नॉट एशेम्ड, एशेम्ड होता है लज्जित, यानी कि जिस तरह से अगर कोई अगर हमारा हंसी मजाक करता है तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं, हमें शर्म सी महसूस होती है, लेकिन अब खरगोश को अपने ऊपर कोई लज्जित यानी कि शर्मिंदा महसूस नहीं हो रही थी। ऑफ इट्स टीम्ड नेचर एनी मोर, यानी कि उसको अपने इस नेचर में जिस तरह वो डरता था उस वाले नेचर के ऊपर कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। तो बेटा आपका ये लेसन था, आपका द टीम्ड हेयर लेसन नंबर 7 है। आपके सभी बच्चों को इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड लिखे हुए हैं सभी को बुक के अंदर सभी को पढ़ने हैं, और इसकी जो आपको हिंदी करवाई गई है सभी बच्चों ने इसके एक एक वर्ड को पढ़ के इसकी हिंदी को पढ़ना है और लेसन को रीड करना है। ओके.